हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या कैसे अपर केस लेटर को हम लोग लोअर केस में कर सकते हैं, किंबा लोअर केस लेटर को हम लोग अपर केस में कर सकते हैं, मींस कैपिटल लेटर को कैसे हम लोग स्मॉल लेटर में ट्रांसफर कर सकते हैं एंड हम लोग कैसे लोअर केस लेटर को अपर केस लेटर में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, हम दो तरीका से देखेंगे, एक सिंपल सा प्रोग्राम एक तरीका फंक्शन यूज करके। ठीक है, तो अब चलिए कोड ब्लॉक्स में जाते हैं। पहले से ही मेरा एक फाइल खुला है, मैं इसको सेव कर लेंगे। आप लोग एक अपना नाम एक दे के खोल लीजिए, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो क्या करेंगे, अपर केस से लोअर केस सिंपल सा प्रोग्राम करेंगे पहले, उसके बाद में दिखाएंगे। पहले अपर केस को लोअर केस में कैसे सिंपल सा प्रोग्राम में कर सकते, लोअर केस से अपर केस कैसे कर सकते दिखाएंगे सिंपल सा प्रोग्राम, उसके बाद दूसरा तरीका। ठीक है, पहले क्या लिखना पड़ेगा आप लोग को, सब लोग को पता है, हेडर फाइल हैज इंक्लूड डाटा इज। ठीक है, क्योंकि ये हेडर फाइल, उसके बाद मेन फंक्शन इंट मेन। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या लेंगे, अपर को लर्न करेंगे, मींस अपर अपर एक वेरिएबल लेंगे, अपर वेरिएबल में सो कैरेक्टर होगा तो कैरेक्टर लिखेंगे अपर। ठीक है, उसके बाद क्या हम लोग यूजर को इंट्रोडक्शन देंगे, प्रिंट एफ एंटर ए अपर केस लेटर। ठीक है, स्कैन करेंगे, परसेंटेज डी देंगे, सॉरी उसमें क्या देंगे, परसेंटेज डी और सी, क्योंकि हम लोग डी नहीं दे सकते क्योंकि हम लोग इसमें कैरेक्टर लिए, कैरेक्टर लिए मीन्स क्या, परसेंटेज सी देने पड़ेगा। ठीक है, डी कब देंगे, जब इंटीजर होगा। ठीक है, सबको पता है, तो अब भी एक बार मैं याद कर दिया, एम परसेंट क्या होगा, अपर। ठीक है, उसके बाद क्या हम लोग क्या करेंगे, उसको प्रिंट करेंगे द लोअर केस लेटर इज, क्या होगा इसमें लोअर केस में जो आएगा वो भी एक कैरेक्टर आएगा। सपोज आप ए दिए, कैपिटल ए दिए, उसका लोअर केस आएगा स्मॉल ए, वो भी तो एक कैरेक्टर, तो उसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, उसका एड्रेस परसेंटेज सी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, मैं पहले वीडियो में बताया तो कैसे हम लोग ASCII वैल्यू निकल सकते, ASCII वैल्यू क्या होता है, ASCII वैल्यू ये पता है ना हम लोग को, जो कैपिटल ए का ASCII वैल्यू 65 एंड स्मॉल ए का ASCII वैल्यू 97, मींस अब जो एक दो सेम लेटर पकड़ लीजिए वो होगा एक अपर केस का एक होगा लोअर केस का, उसका अंदर जो डिफरेंस है वो कितना, आप लोग पकड़ लीजिए कैपिटल ए एंड स्मॉल ए 65 97, इसका बीच में कितना फर्क है, 97 - 65 means 32, तो हम लोग अपर केस से लोअर केस कर रहे हैं, मीन्स अपर केस कितना, सपोज ए लिए 65, उसका हमको 97 करने पड़ेगा, मीन्स अपर केस का साथ 32 प्लस करने पड़ेगा, वही करेंगे इसमें अपर प्लस 32, समझ गया सब। ठीक है, इसमें रिटर्न जीरो गेट सी है, जे भी दे सकते आप। ठीक है, हो गया, अब चलिए रन करते हैं, एक्जेक्टली क्या चार मांग रहा है, अपर केस लेटर यू दे दिया हमें, ठीक है स्मॉल यू दिखाई दिया। ठीक है, हो गया, सबको दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम लोग लोअर को अपर करेंगे, कुछ नहीं करने पड़ेगा, सेम ही चीज है, थोड़ा चेंज करने पड़ेगा। अब आ जाइए, इसमें आपको लोअर लेना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी कैपिटल हो गया सब, क्योंकि वेरिएबल तो नहीं हो सकते, लोअर इसमें लोअर
लिखना पड़ेगा लोअर केस लेटर, इसमें लोअर लोअर ठीक है, इसमें अपर केस लेटर इज, इसमें क्या होगा हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लोअर को अपर मींस क्या, लोअर 97 स्मॉल ए उसको हमको कैपिटल ए करना पड़ेगा, मींस 97 को 65 करना पड़ेगा, मींस क्या करना पड़ेगा 97 से 65 माइनस करना पड़ेगा, वही करेंगे लोअर से माइनस करेंगे, हो गया हो जाएगा, देखते हैं हम बिल्ड एंड रन क्या देंगे, एक लोअर केस लेटर देंगे सपोज ए, हो गया अपर केस लेटर ए आ गया, ठीक है समझ गया ना सब। उसके बाद में देखेंगे कैसे फंक्शन यूज करके कर सकते हैं हम लोग, कुछ नहीं उसको ही करेक्शन करेंगे, लोअर केस को हम लोग अपर केस में करेंगे बट फंक्शन यूज करके, इतना तक तो सही रहेगा। उसके बाद क्या करने का, हम लोग को एक फंक्शन है जो है टू, उसको हम लोअर को अपर करेंगे मीन्स टू अपर, ठीक है इसके अंदर लोअर होगा, लोअर को हम लोग करेंगे ना, इसको तो जो लिए हम लोग जो यूजर दिया उसको तो हम लोग को करने पड़ेगा ना, ठीक है उसको उसको एक हम लोग अपर का अंदर रख देते हैं, एक वेरिएबल डिफाइन किया अपर, उसको इधर नहीं डिफाइन किया इसमें तो डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है हो गया, इसको हटाना पड़ेगा, इसको नहीं चाहिए हमको, हमको अपर ही चाहिए, तो इसको ही हम लोग प्रिंट करेंगे अभी क्या, इसको प्रिंट करेंगे तो इसमें उसका अपर ही लिखना पड़ेगा, ठीक है इसको हम लोग अभी जाके प्रिंट करेंगे, सॉरी रन करेंगे क्या होता है, एंटर लोअर केस ए आ गया ना, ठीक है अभी जाएंगे इसको फंक्शन यूज करके कैसे अपर को लोअर कर सकते हैं, आप लोग को समझने के लिए मैं इसको पहले लिखता हूँ अपर को लोअर को, बाद में अपर लोअर लोअर बाद में लिखेंगे, ठीक है अभी अपर ही रहेगा, अपर में लिया इसमें यूजर को बोलेंगे अपर, अपर को देने के लिए ठीक है अपर केस लेटर दे दिया यूजर, इसको तो डिफाइन करने पड़ेगा अपर, ठीक है स्कैन करने पड़ेगा अपर, हो गया इसको हम लोअर करेंगे मींस इसमें टू अपर था और लोअर से अपर, इसमें अपर से लोअर मींस इसको लोअर करने पर टू लोअर लोअर, इसमें किसको अपर करेंगे लोअर करेंगे अपर को मींस इसको अपर देने पड़ेगा अपर, ठीक है उसके बाद इसको हम लोअर करेंगे ना, उसको लोअर को अंदर हम रखते हैं, ठीक है इसको तो डिफाइन नहीं किया इसमें डिफाइन करने पड़ेगा, ठीक है दोस्तों इसको लोअर मींस इसको हम प्रिंट करेंगे इधर, इसको मींस इसको इधर ही लिखना पड़ेगा, ठीक है आ जाइए अभी रन करते हैं हम लोग, ठीक है एक अपर केस लेटर मांग रहा है उसको हम एस डी दे देता हूँ, एक ही तो चाहिए ना, सपोज के दिया उसका उसको समझ में नहीं आएगा लेकिन और एक बार रन करके देख लेता हूँ, ठीक है आप लोग को सबको समझ में आया ये क्या कैसे फंक्शन यूज करके होता है, ठीक है अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, अगर हेल्पफुल मालूम होगा तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, मेरा तीन लैंग्वेज का ऊपर है बंगाली इंग्लिश हिंदी, आप लोग को हिंदी पसंद नहीं आएगा तो आप लोग बंगाली और इंग्लिश में देख सकते, मेरा हर एक वीडियो तीनों लैंग्वेज का ऊपर है, सेम पैटर्न है सेम थिंग्स है बट लैंग्वेज अलग होता है, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा जो आपका हिंदी का इंग्लिश का बंगाली का, हिंदी का तो आप लोग दिख रहे तो बंगाली और इंग्लिश का दिया होगा, आप लोग का मन होगा तो आप लोग देख सकते हैं, अगर हिंदी पसंद नहीं होगा तो ठीक है और सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि हम लोग का जो वीडियो आएगा आपको पहले ही दिखाई देगा आपको अच्छा लगेगा, तो ठीक है थैंक यू।